बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं नईम शफीक, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स वर्ल्ड की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर कैसे कर सकते हैं, जो कि हमारा मोबाइल क्यू मोबाइल का है, जो कि MTK टेक्नोलॉजी में आता है, तो उसका हम सॉफ्टवेयर कैसे कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल के आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास मोबाइल है, क्यू मोबाइल है, जिसका मॉडल है जी X700 Pro। तो इसको हम फ्लैश करेंगे, इसका सॉफ्टवेयर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ब्राउज़र अपना ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर हम खूब सर्च करेंगे जिस भी कंपनी का मोबाइल है आपने, मीन्स कि अगर आपका क्यू मोबाइल है तो हमने क्या करना है, क्यू मोबाइल फ्लैश फाइल। आगे हम इसका मॉडल लिखेंगे फ्लैश फाइल लिखेंगे, वो मॉडल है जी X700 Pro। तो हमने ये लिखा, जैसे हम इसको ओके करेंगे तो मेरे पास अब देखें ये एक फ़ाइल आ गई है, फ्लैश फाइल है। हम इसको यहाँ से ओपन राइट क्लिक करके इसको हम डाउनलोड करेंगे। दोस्तों, ये सबसे पहले होगी जो फाइल है ये जिप में होगी, हम इस पर वेट करते हैं। मेरे पास ये फ़ाइल आएगी, हम इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने इसको फाइल को लेना है। फ़ाइल को कहाँ से हम डाउनलोड करेंगे, दोस्तों यहाँ पर हम देखें ये एक वेबसाइट है firmwarefile.com। आगे उन्होंने इसका जो मॉडल है वो लिखा हुआ है, तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखें ये फ्लैश टूल है, हम फ्लैश टूल पर क्लिक करेंगे तो एक तो ये पेज ओपन हो जाएगा नेक्स्ट वेबसाइट का, और दूसरा हमारे पास जो फाइल है, अभी हम यहाँ पर ये गेट लिंक पर क्लिक करेंगे तो हम इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए हम इस पर गेट लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। मैं आपको दोस्तों ये सिर्फ बता रहा हूँ, मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ। तो यहाँ पर ये है जी 1.21 GB की फ़ाइल, और ये मीडिया फायर में है क्योंकि इसकी स्पीड ये फास्ट स्पीड में डाउनलोड करता है, और इसमें डाउनलोडिंग जो बहुत फास्ट स्पीड में होती है, इस वजह से ज़्यादातर जो हैं वो इसी स्टोरेज में इसको सेव करते हैं। तो हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने के बाद, और इसके बाद हम जो SP फाइल है, जो इसका फाइल टूल है वो हम करेंगे, जो लेटेस्ट वर्जन है वो ये SP फ्लैश टूल फॉर विंडोज़। तो हम इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये नेक्स्ट पेज पे चले जाएगा। तो यहाँ पर जो भी इसका जो लेटेस्ट वर्जन है हम उसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के लिए हमने यहाँ पर आप देखें गूगल ड्राइव है, मिरर डायरेक्ट है, और मिरर 3 है। मैं ऑलरेडी इसको कर चुका हूँ, अभी किसी में इसको किसी भी ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैंने इसको अपने पास रखा हुआ है। अब यहाँ पर देखें ये मेरे पास एक वर्जन है, जो इसका लेटेस्ट वर्जन है 5.2.5.2028, और मेरे पास ये लेटेस्ट वर्जन इसका पड़ा हुआ है। मैं इसको ऑलरेडी मैंने किया हुआ, तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ। जैसे मैं इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो इसी में इसकी एक फ़ाइल बन जाएगी, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ था। तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे, तो इसने मैसेज दे दिया जी कि आपका जो SP टूल है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखें यहाँ पर इसकी एक फाइल है, अब ये बिजी है मेरा PC, तो हम वेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें यहाँ पर इसकी फ्लैश टूल एक्जी फाइल है। हम इसको क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। जैसे ही हम ओपन करेंगे तो मेरे पास ये फाइल ओपन हो जाएगी। तो इसके बाद हम अपनी जो इसकी मुतल्लिका फ़ाइल है, फ्लैश टूल की फ़ाइल, जो इसको हम बोलते हैं स्कैटर लोडिंग फाइल, तो हम क्या करेंगे, हम इसको चूज़ करेंगे। यहाँ पर चूज़ करने के
के लिए इसको क्लिक करेंगे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पास ये जिप फाइल में होगा, तो जिप फाइल में होने के बाद आप इसको जो है वो एक्सट्रैक्ट लाजमी करेंगे। उसके बाद हम इसको बैक करेंगे, बैक ये मेरे पास फाइल है क्यू मोबाइल एक्सामिनर प्रो, उसके बाद इस पर और ये फिल्मवेयर है, तो मैं इसका करता हूँ फिल्मवेयर को क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास है MT6580 जो कि मेरा मॉडल है मोबाइल का, एंड्रॉयड सेक्टर फाइल है। तो मैं इसको क्लिक करके यहाँ पर ओपन करता हूँ, तो जैसे मैं ओपन करूँगा तो आप देखें यहाँ पर ये तमाम चीज़ें इसने, ये देखें आप दोस्तों इसने इसमें तमाम चीज़ें ले ली हैं, ये इसमें सेलेक्ट हो चुका है। उसके लिए अभी हमने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर अब इसके बाद हम करेंगे अपने मोबाइल को ऑफ़ करेंगे। ऑफ़ करने के बाद वो मोबाइल जिसका आपने सॉफ्टवेयर करना है, ऑफ़ करने के बाद हमने इसको केबल के साथ कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम इसको केबल के साथ कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद अभी हम इस पर डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद अभी हम क्या करेंगे कि इसका वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन और पावर बटन तीनों को हम इकट्ठा प्रेस करेंगे। सॉरी सॉरी यहाँ पर ये करने के से पहले हम क्या करेंगे, कनेक्ट करने के बाद हमने इसको प्रेस करना है और साथ ही हमें तीनों बटन्स को प्रेस कर देना है। तो जैसे ही हम तीनों को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखें ये इसको छोड़ दे रहे हैं, उसके बाद ये हमारी जो डाउनलोडिंग ऑप्शंस है वो स्टार्ट हो चुकी है। और अभी आप देखें ये मेरे पास येलो लाइन जो है वो चल गई है, और अभी आप देखें ये डाउनलोडिंग जो है वो फ्लैश टूल से चल रहा है। तो अभी आप देखें यहाँ पर हमारे पास ये जो ग्रीन साइन ओके हो चुका है, हम इसको यहाँ पर क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद हम अपने मोबाइल डिवाइस को यहाँ से उतार लेंगे। उतारने के बाद हम इसको पावर ऑन करेंगे। तो दोस्तों हमारे मोबाइल जो है वो हमारा मोबाइल जो उसका जो सॉफ्टवेयर वो इसमें हो चुका है। तो दोस्तों आप इस तरीके का से अपने मोबाइल का सॉफ्टवेयर जो है वो भी क्यू मोबाइल का सॉफ्टवेयर बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर कोई बात हो कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।